कुछ अरसा पहले शहबाज शरीफ ने भी कहा था जरदारी के मतलब, मैं सड़कों पर लड़काना के उसके उल्ट उल्ट बाजियाँ लटकवा दूंगा और मैं पेड़ फाड़ दूंगा। ये मोरालिटी इनके पास कुछ भी नहीं है, करप्ट लोग हैं। एक दफ़ा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करेंगे फिर वो इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे मफादात की सियासत हो रही है, कोई मुल्क के लिए सिंसियर नहीं है। चाइना वाली बात होनी चाहिए, चाइना जेलें नहीं भरता, लिस्ट बनी होती है शूट कर देता है वो। और ये सारे ही नंगे हैं, आपकी असेंबली क्या है मुझे नहीं पता समझ आती। ये इलेक्शन जो था ना इमरान खान ताहिर कादरी वाली बात सही थी, ये इलेक्शन आप 10 करवा दें। जब चोर डाकुओं को ही आपने लेके आना खेलने के लिए तो आपकी बेहतरी तो आ ही नहीं सकती। अब इमरान फंसा हुआ ना उसी के अंदर, चोर है भाई हर जगह, जहाँ पे भी हाथ डालेंगे सब चोर है। मरीम ने कुछ कह दिया, जरदारी को कुछ कह दिया, और भाई कल ये बिलावल जो है ये क्या कह रहा था, जो मोदी का यार है वो गद्दार है, उदार है, किसको कह रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद इशफाक। चंद रोज पहले एक ऑडियो लीक होती है, ये ऑडियो उसी खातून की है जो पिछले चंद सालों से बड़ी मीडिया के अंदर इंटर हुई हैं, अपनी हर एक वार्ड पे नाकाम हो जाती हैं। ऑडियो लीक्स का मामला मेरी मुराद मरियम नवाज़ साहिबा की है, जिनकी एक और ऑडियो लीक हुई है जो आसिफ अली सरदारी को अपने अब्बा बना चुकी थी, उन्हीं अब्बा को कह रही हैं कि ये जलील आदमी है, ये क्या किस्सा है। और दूसरी तरफ जो कराची के अंदर लॉन्ग मार्च जारी है वो किस हद तक कामयाब हो पाएगा और आने वाले इलेक्शन के अंदर ये तमाम चीज़ें खान साहब को कितना इम्पेक्ट कर पाएंगे, उसी हवाले से जानते हैं। हमारे साथ सीनियर तजियाकार इरफान साहब मौजूद हैं, सो उन्हीं से ये तमाम चीज़ें जानते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये जो ऑडियो लीक का मामला हुआ है जिसमें वो पहले तो अपने उसको आसिफ अली जरदारी साहब को कहती है कि मेरे अब्बा जैसे हैं, फिर ऑडियो सामने आती है कहते हैं ये तो बड़े जलील आदमी हैं। कोई ऐसी बात नहीं, इनके ये इसी तरीके से सिलसिले चलते हैं। कुछ अरसा पहले शहबाज शरीफ ने भी कहा था जरदारी के मतलब, मैं सड़कों पर लड़काना के उसके उल्ट बाजियाँ लटकवा दूंगा और मैं पेड़ फाड़ दूंगा। ये मोरालिटी इनके पास कुछ भी नहीं है, करप्ट लोग हैं। एक दफ़ा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करेंगे फिर वो इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अभी ये 11 जमातें तो इकट्ठी हुई खड़ी हैं, लेकिन इलेक्शन के अंदर अब देखेंगे सर, कोई हर कोई अपनी दौड़ में भागेगा। ये क्या, ये अपने अकाउंट्स बचाना चाहते हैं, ये अपने ऊपर जो चोर चोर का दाग है वो हटाना चाहते हैं, वही है जो करप्शन को बचाना चाहते हैं। लेकिन आपका सिस्टम पूरे मुल्क का मफलूज है। मैं पिछले दिनों एक पिक्चर ही आई थी मेरे पास, उसके साथ कैप्शन दिया हुआ था कि किसी कबूतर चोर की जमानत जो है आपकी हाई कोर्ट ने मुस्तर्द की है। वो कहते हैं यार क्या कबूतर, कितना इसने वो नुकसान कर दिया किसी का, उसकी जमानत, और जो मुल्क का खजाना खाली कर गया उसके लिए 500 के स्टाम्प के ऊपर लिख के दे दिया जाने चले जाए। मुझे नहीं पता लॉ में कैसे हो सकता है कि दूसरा क्रिमिनल दूसरे की जमानत कैसे दे सकता है, खुद भी इन्वॉल्व था शहबाज शरीफ। जब तक आपका जुडिशल सिस्टम नहीं ठीक होगा, कानून की हुक्मरानी उस तरीके से अगर नहीं होगी कि किसी के लिए कुछ है, इमरान खान पहले भी कह चुका है गरीबों के लिए कुछ है, लीड क्लास के लिए कुछ है, ये सबसे बड़ा फ्लॉ ये है। यहाँ पे मफादात की सियासत हो रही है, कोई मुल्क के लिए सिंसियर नहीं है, समझ आई नहीं। ये तो अपने जलसों में चीख चीख के कैसे है कि मैं आवाम के लिए खून बहा दूंगी, नहीं खून क्या बहा देना है, वहाँ भी ऐसी खोता बिरयानी खा के या समोसे और 1000 जेब में डाले। अभी जरदारी ने क्या किया था, ये जमीनी इलेक्शन में 133 के अंदर 1000 रुपये अगर कोई उसको वोट दे रहा है तो आप अंदाजा कर लेना उस चीज़ का। अभी भी आई है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उसने 9 करोड़ एक बंदे की कीमत लगाई है। ठीक है, ये चीजें आउट हो चुकी हैं पीटीआई की, जिन लोगों को उन्होंने अप्रोच तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 9 करोड़ रुपए एक एमपी, कहां से पैसा आ गया भाई। और फिर दूसरी बात है नवाज शरीफ डिस्क्वालिफाइड है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, उम्र भर वो नहीं आ सकता, उम्र भर नहीं आ सकता। PMLN तो अभी तक उसकी चल रही है, बिल्कुल पार्टी में बैन लगा कि आप नून के साथ वो आप नहीं कर सकते, अब वो बाहर चला गया, वहाँ से भी वो पार्टी रन कर रहा है। अभी जो सेहत कार्ड निकाला था, आप क्या समझते हैं कुछ फायदेमंद है? मैंने तो खैर उसके ऊपर कोई इतना वर्किंग नहीं की, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जिन हॉस्पिटल्स को भी अनलिस्ट किया गया उनको दोबारा जाके उस पर देखना चाहिए वो कितनी फैसिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, जाके देखना चाहिए इन्होंने तो, लेकिन एक बेहतर स्टेप था ये, स्टेप यकीन बेहतर है, लेकिन लेकिन यही स्टेप सिंध के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की, सिंध गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिया कि इधर हम नहीं होने देंगे ये काम। उनका तो काम ही यही है कि अवाम को इस किस्म की बुनियादी सहूलतें मत दो। ये पावर कहाँ से आ जाती है? वो आसिफ अली जरदारी ने भी ऑन कैमरा बैठ कर कहा था कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आसिफ ने तो साफ एक बात की थी कि खान साहब हमने तो आपको पैसे नहीं दे रहे, हमने जिनको देने हम उनको देंगे, अब ये आप इशारा समझ लें। दूसरा रह गया मरीम ने कुछ कह दिया,
जरदारी को कुछ कह दिया, और भाई कल ये बिलावल जो है ये क्या कह रहा था, जो मोदी का यार है वो गद्दार है, बिल्कुल किसको कह रहा था, इसके ताए को कह रहा था। तो ये सब खाने पीने, ये बिलावल खुद बता दे इसके बाप के पास पैसा कहाँ से आया, ये तो कल ही की बात है। बिल्कुल चाइना वाली बात होनी चाहिए, चाइना जेले नहीं भरता, लिस्ट बनी होती है शूट कर देता है वो। अभी ये जो है कराची के अंदर लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो गया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, मैं हकीकत में बताऊंगा आपको। ये जो अभी रूस का और वो जो यूक्रेन का मसला, इमरान ने जाके जो भी उनके साथ मुआहदे कर लिए रशिया के साथ, अब वो चाह रहे हैं कि जी रूस को हम तनख्वाह की अलहदा करें पूरी दुनिया से उसको, और उसके ऊपर सेंक्शन लगाएं। अमेरिका नेटो फोर्सेस ला रहा था अंदर, क्यों नहीं घुसा फिर अब बिल्कुल यूक्रेन को, उसको तो मरवा दिया। मरवाने की स्ट्रेटजी क्या थी कि बस इसी तरीके से रूस अंदर आएगा और हम इस पे रूस पे हम सैंक्शंस लगवाएंगे, उसकी कोई इन्होंने मदद नहीं करनी थी। इतनी बड़ी गेम उन्होंने उसके साथ की है, वो अकेला अब रो रहा है चीख रहा है, लेकिन सैंक्शंस लगाने के लिए अब उनको यहाँ से पाकिस्तान भी चाहिए, चाइना भी चाहिए, उसकी हिमायत चाहिए, भारत भी चाहिए, ईरान भी चाहिए। तो यहाँ से इस ब्लॉक से मेरे ख्याल मुश्किल है अब, लेकिन इमरान खान को करने के लिए मेरे ख्याल में अब बाहर से ये सारी, लेकिन अभी कराची के अंदर जो निकाला है कि हुकूमत को गिराने के लिए हम अपनी पावर शो कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च का स्टेप लिया है, अमेरिका पैसे लगा रहा है, बाकी इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा इनके मार्च से, इनके साथ है ये, बाकी जो भी वो पिक्चर्स भी मीडिया के सामने आई कि चंद लोग हैं। लॉन्ग मार्च में तो देखते थे कि कई किलोमीटर पे आवाम होती थी, लेकिन पिक्चर्स के अंदर चंद लोगों को लॉन्ग मार्च कर, ये इकट्ठे तो इमरान को ही गिराने के लिए हुए हैं ना, बिल्कुल ये आपस में इकट्ठे भी नहीं हो सकते। इमरान को गिरा दें, इमरान को मार दें, जो भी कुछ इनके मामला चल रहे हैं एक बात है, उसके बाद क्या ऑप्शन रह जाती है आपकी, कौन सा बंदा है कोई भी नहीं जो आगे करेगा, और वो जो कहेगा कि जी मैं हर जगह पे मैं ही हावी हूँ और मैं एक यूनिट बन के पूरे मुल्क को मैं चला लूंगा, वो वही बंदरों के अंदर वो क्या कहते हैं वो रोटी वाली बात है, आपस में लड़ाई होगी, इनका कुछ भी नहीं है जी, ये सब लोग ऐसे ही हैं। अभी जो पेट्रोल रेट्स कम हुआ है, बिजली का रेट कम हुआ है, इस पर शाहिद खाकार अब्बासी साहब कहते हैं कि जो अगली हुकूमत पर है ये बोझ डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर जो होता है अगली हुकूमत बोझ डालने की। बंदा पूछे कि इमरान जो कर्जे वापस कर रहा है, ये तो अभी बेचारे को 3 साल हुए हैं आए को, बिल्कुल वो जो कर्जे वापस कर रहा है वो किसने लिए हुए थे, पिछली हुकूमतों ने लिए हुए थे ना, कितना उन्होंने वापस किया था। अभी भी आप ये मेट्रो जो बनाई है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ बना के की है, मुझे बताए कि उसकी सब्सिडी दे के वो हुकूमत नहीं चला रही उसको, बिल्कुल चला रही है, ऐसे प्रोजेक्ट उसने बनाए हुआ जो अपने पाँव पे खड़े हो जाए, अरबों खरबों लगा दिए अगली हुकूमत पे, लोगों को वहाँ से घरों से बेघर किया इसको, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए उनके रोज शायद खाकान अब्बासी की अपनी क्रेडिबिलिटी देखे तो अमेरिका के अंदर जब ये विजिट कर नंगा कर दिया था उनको, ये टिप मिली थी कि ये हेरोइन वगैरह लेके आ रहा है, तो ये तो वहाँ पे भी नहीं बोल रहा, वहाँ पे नंगा होके आ गया, और ये सारे ही नंगे हैं। आपकी असम्बली क्या है मुझे नहीं पता समझ आती, ये इलेक्शन जो था ना इमरान खान ताहिर कादरी वाली बात सही थी, ये इलेक्शन आप 10 करवा दें, जब चोर डाकुओं को ही आपने लेके आना खेलने के लिए, तो आपकी बेहतरी तो आ ही नहीं सकती। अब इमरान फंसा हुआ है ना उसी के अंदर, अब क्या समझेंगे, अकेला बंदा कुछ कर पाएगा, मैं तो समझ रहा हूँ कि ये नहीं नजर आ रहा, ये क्या कर पाएगा, इसको तो अपने नीचे सारे चोर हैं, ये सब चोर हैं भाई, हर जगह जहाँ पे भी हाथ डालेंगे सब चोर हैं। ये कल को यही लोग कहते थे इमरान खान साहब की एटीएम है और ये तमाम चीज़ें, आज वही जाकर उनके पास बैठ रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बंदे लेकर आएंगे, ये तो इनकी अपनी कोशिश है ना, जाहिर है वो चाह रहे हैं कि इमरान खान को हम गिराएं और खुद हम पावर में आएं। ये अगर इनमें इतनी बात होती तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आज ही कर दें, क्यों नहीं करते, इनके पल्ले है कुछ नहीं, इनके तो बंदे नहीं पूरे हो रहे। आने वाले इलेक्शन के अंदर किसको देख रहे हैं, इलेक्शन में बता रहा हूँ इमरान को अल्लाह ताला जिंदगी दे, जो इसके पीछे वो आपका इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अब लगी हुई है, अमेरिका बहादुर और ये वो, तो इसको जीतना चाहिए इलेक्शन, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं, लेकिन जो भी है अभी तक तो ये जो भी असेंबली में बिल भी पास करवाता रहा अपोजिशन, लेकिन उसके अंदर भी अगले कहते थे जी वो जाहिर है वो जो बड़े सरदार हैं हमारे उसमें पार्ट प्ले कर रहे थे, और फिर देखे इंटरनेशनली ये इस बंदे का अपना एक स्टेचर है, बिल्कुल ऐसा चाइना गया है, और
अमेरिका के आगे लेटा क्यों नहीं है कि इसके अपने कोई बाहर इस किस्म के मामलात नहीं थे कि इसने मुल्क का पैसा लूट के तो बाहर बैंक करवाया था। इसने कहता एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका नहीं छोड़ता होता। भुट्टो साहब ने भी कहा था बिल्कुल फाड़ दिए थे, हम आपको घास खा लेंगे, और भी कार्टर को भी उसने कहा था फप्ती कसी थी कि हम बनाएंगे एटम बम, मूंगफली बेचने वाले क्या तुम क्या बेच रहे हो। बात ये अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी करे, हमारे पास ऑप्शन भाई कोई और है ही। वल जी ये तमाम चीज़ें थी जो आपके सामने रखना लाजिम थी कि किस तरीके से मरियम नवाज़ जो एलिगेशन लगाती थी आसिफ अली जरदारी साहब पर और फिर उसके बाद उनको अपना बाप जैसा समझने लगी, और फिर एक ऑडियो लीक सामने आ जाती है जिसमें वो कहती है कि इस जैसा जलील आदमी कोई नहीं है। एक एक पॉइंट आपके सामने रखा है, लॉन्ग मार्च जो निकला हुआ है सिंध के अंदर, बड़ी बात है। बिलावल ने इसके बाप को कह दिया था, मरियम नवाज के ही बाप को बोला था ना, जो जलील यार है वो गद्दार है बिल्कुल। तो ये तो बिलावल को भी जफिया डालती रही है, तो इनका कोई हिसाब किताब नहीं है भाई। आप इनके अंदर मोरालिटी ढूंढ रहे हैं जनाब। ये बिलावल को तो खुद भी वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वो तो खुद भी कहती थी ये किस किस्म का ये बंदा है, बंदी है क्या है, मैं किससे मिलने जा रही हूँ, ही है कि शी है। बिल्कुल वो भी सामने आई थी। तो फिर इनके पल्ले कोई गैरत है ही कोई नहीं। खान के पीछे ये कहता फिरता सिलेक्टेड है सिलेक्टेड है, तो खुद तो इलेक्टेड के काबिल भी नहीं है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। सवाल अपने फीडबैक से मैं जरूर आगाह कीजिएगा। एक एक पॉइंट आपके सामने रखना लाजिम था कि ऑडियो लीक से लेकर कराची के अंदर जो लॉन्ग मार्च का इंडिया दिया गया, किस तरीके से बाहर चंद लोगों का जो इकट्ठे वो निकले और उसको लॉन्ग मार्च की शक्ल दी जा रही है, और आने वाले इलेक्शन के अंदर क्या प्रेडिक्शन देखी जा रही है, आप क्या इस बारे में समझते हैं? अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा आज़ाद न्यूज़।